राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल रामकथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सोने का हिरण भाग 2। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि सीता के कहने पर राम सोने के हिरण का पीछा करने लगते हैं और उसे मार डालते हैं। मरने से पहले हिरण अपने असली रूप में आता है और राम की आवाज में हाय सीते हाय लक्ष्मण कहता है। इस आवाज को सुनकर सीता समझती है कि राम का जीवन संकट में है। वो लक्ष्मण को जबरदस्ती राम की सहायता के लिए भेज देती है। अब सुनिए इससे आगे की कहानी। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों जैसा जटाजूट, वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूं, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूं। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींच कर उन्हें रथ में बैठा लिया। हीरा, हीरा। सीता प्रयास करती रही पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। हा राम, हा लक्ष्मण, हा राम, हा लक्ष्मण, हा राम, हा लक्ष्मण, पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना, उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ
क्षत विक्षत कर दिया, रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वो सीधे धरती पर आ गिरा। जय श्री राम। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया। और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकना प्रारंभ कर दिया। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वो अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वो सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वो फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें एक वर्ष का समय देता हूं, निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी? सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा राम यहां कभी नहीं पहुंच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूं। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है। राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा, खर दूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा,
उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया। कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसों राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो, इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थी। हे प्रभु, शेरों के बीच हिरणे की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहां से उन्हें राम ही बचा सकते थे। बाल राम कथा। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मुख्य विषय समन्वयक प्रोफेसर रामजन शर्मा, आलेख मधुकर उपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार राकेश पंडित, कलाकार मंजू मैनी, राजश्री त्रिवेदी, प्रवीण शर्मा और सुनील लोहिया, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।